नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 34 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एंजाइम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। जैसे होलो एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम क्या होगा, अपो एंजाइम क्या होगा, एब्जाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जाइमोजेंस और प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, होलो एंजाइम क्या होता है, ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये होलो एंजाइम बनता दो पार्ट से है, एक तो प्रोटीन पार्ट होगा, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। यहाँ पे प्रोटीन पार्ट जो है वो एपो एंजाइम होगा और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो को एंजाइम होगा दोस्तों। अब यहाँ पे इसके अगर हम इनिशियल लेटर्स को ले तो ये इस तरह के बन जाएगा, एच इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना। होलो एंजाइम जो बनता है वो अपो एंजाइम और को एंजाइम से बनता है। तो इसे याद रखने के लिए ये ट्रिक्स काफ़ी होगा कि हॉल में एसी लगाना है ना। हॉल यानी क्या, होलो एंजाइम, और हॉल में क्या लगाना है, एसी यानी अपो एंजाइम और को एंजाइम के कॉम्बिनेशन से होलो एंजाइम बनता है, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम होता है। ठीक है, इस अपो एंजाइम और को एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जानकारी और लेंगे। देखिए, इसे याद रखने के लिए अपो एंजाइम को याद कैसे रखोगे कि ये प्रोटीन पार्ट है, तो यहाँ पे देखो अपो अ प्रोटीन पार्ट इज अ अपो एंजाइम। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ जो है को एंजाइम, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, ऑर्गेनिक पार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये को एंजाइम वाला पार्ट टाइटली बॉन्डेड होगा, कोवेलेंटली बाइंडेड होगा इस अपो एंजाइम के साथ में, ये बहुत ही टाइट जब बाइंडिंग रहता है, तो हम को एंजाइम के जगह पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो क्या यूज करेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप करके। ठीक है, जब ये टाइटली बॉन्डिंग होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलना है, जब लूज बॉन्डिंग होगा, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट होगा, तो हम कोएंजाइम बोलेंगे। ठीक है, तो ये कोएंजाइम जो होते हैं, जैसे एफएमएन होगा, या एफएडी होगा, या फिर एसिटिल कोएंजाइम ए होगा, तो इसको हम बाद में किसी और वीडियो में देखेंगे कि कोएंजाइम कैसे होते हैं। तो अभी इतना ही समझ लीजिएगा, होलो एंजाइम जो होता है वो अपो एंजाइम और कोएंजाइम का कॉम्बिनेशन होगा, और कोएंजाइम की जगह पर कोई ऐसा ग्रुप जो टाइटली कोवेलेंटली बॉन्डेड हो इस अपो एंजाइम के साथ में, तो हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे वो यूज़ करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नोट को ध्यान में रख लीजिएगा कि कोएंजाइम जब अटैच होता है तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं डायलिसिस से, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप ये टाइटली या फिर कोवेलेंटली बॉन्डेड होने की वजह से हम इसे डायलिसिस से रिमूव नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते अपोएंजाइम पार्ट से दोस्तों। ठीक है, अब समझेंगे एब्जाइम्स क्या होते हैं। एब्जाइम्स देखिए इसके नाम में ही है, तो ये एक कैटालिटिक एंटीबॉडीज होते हैं। तो ए से देखो यहाँ पे एंटी, बी से बॉडी, और जाइम से एंजाइम। तो एंटीबॉडी एंजाइम्स से ये रेड कलर वाले, अगर हम अल्फाबेट्स को यूज़ करें, वर्ड्स को यूज़ करें, तो हमें मिलेगा ए बी जाइम्स। तो इसे हम एब्जाइम्स बोलते हैं, जो कि कैटालिटिक एंटीबॉडीज होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एब्जाइम्स टर्मिनोलॉजीज को भी याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स का जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसे आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग हमारे चैनल के लिए 1000 रुपीज़ बाय पेटीएम या फिर फोन पे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087-33-9648 पर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करेंगे, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकता है दोस्तों, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हो या फिर लीजर टाइम में मोबाइल के थ्रू भी पढ़ सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारे और एक चैनल है नीट साइंस स्कॉलर, आप लोगों ने उसे भी सब्सक्राइब करना है। हम यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस या फिर उसके जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसे हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग आरआरबी, ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और नाइपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का स्कोर बढ़ाने के लिए ये चैनल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। चलिए अगले टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। यहाँ पे देखिए जाइमोजेंस, इस पे काफ़ी बार सवाल बनता है। जाइमोजेंस को ही प्रो एंजाइम बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये जाइमोजेंस जो होता है वो लैटेंट और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है। ये ऐसा एंजाइम होगा जो इनएक्टिव होगा दोस्तों। हम ड्रग का प्रोडक्ट जिस तरह से बनाते हैं ना, उसी तरह से ये जाइमोजेंस होते हैं, ये प्रो एंजाइम्स होते हैं, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स के पहले होता है, तो उसे प्रो एंजाइम बोलेंगे, जाइमोजेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जाइमोजेंस के एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे, चाइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, प्लास्मिनोजन, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में है दोस्तों। अब इसे किसी ना किसी रिएक्शन से हम इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सल्फाइड का रिएक्शन हो गया हो, या फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फास्फोरिलेशन, इस टाइप के रिएक्शन से हम इसे
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे चाइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म होगा इसका चाइमोट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म होगा पेप्सिन, प्लास्मिनोजन का एक्टिव फॉर्म होगा प्लास्मिन। तो ये सारे एक्टिव फॉर्म, और इसका पहला जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे हम प्रो एंजाइम या फिर जाइमोजेंस कह सकते हैं, जो कि लैटेंट और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होगा। दोस्तों इस पर काफ़ी बार सवाल बनता है, तो इसे याद रखिएगा। और एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करें दोस्तों, देखिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं हो सकते दोस्तों। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, इस सेंटेंस को याद रखिएगा, स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, ठीक है। तो इसे हम वेन डायग्राम्स की तरीके से समझते हैं। देखिए ये ब्लैक कलर से जो बना है वो प्रोटीन्स का एरिया है, उसके अंदर एंजाइम्स हमें दिख रहे हैं, यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स में हमें सारे एंजाइम दिख रहे हैं, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स हम बोल सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स है क्या? नहीं है। देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो एंजाइम कहाँ है? तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स है, लेकिन एंजाइम्स में भी जो राइबोजाइम्स है वो प्रोटीन्स नहीं है दोस्तों, वो एंजाइम्स है लेकिन प्रोटीन्स नहीं है। तो राइबोजाइम्स को हम याद रखेंगे कि इज अ नॉन प्रोटीन एंजाइम, ये कोई प्रोटीन नहीं है लेकिन एंजाइम है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड राइबोजाइम्स इज एक्सेप्शन, जो कि नॉन प्रोटीन एंजाइम होगा, वो प्रोटीन नहीं है लेकिन एंजाइम है। राइबोजाइम्स क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है दोस्तों, जो कैटालिटिक रिएक्शंस पे काम करता है एंजाइम की तरह। तो ये एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है और ऑल बटन को क्लिक करना है दोस्तों। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।